चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, ये मैंने पूरी फॉर्मूला की वर्कशीट बनाई है, एक वर्कशीट मैं आपको भेज दूंगा, उसे आपको खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। दूसरी वर्कशीट में जो एक और भेजूंगा उसमें इसके सारे आंसर्स होंगे, वो आपको देख लेंगे, और एक मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तीन चीज़ों के हिसाब से हमें काम को चलाना है, क्लियर हो गया। जो बच्चा ग्रुप में जुड़ना चाहता है वो हमारा ग्रुप ये रहा 8700885828, ठीक है। बात आती है एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल बताओ बेटा? गलत, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि कोई आपसे पूछे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वेरी गुड, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, ये सर्कल है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस थी 2πr। डायमीटर क्या होता है? 2 into r। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्कल की? डायमीटर। तो डायमीटर जो होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, क्लियर हो गया। क्या चीज़ है ये? स्क्वायर। स्क्वायर के हमने सामने की साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, साइड इनटू साइड, जिसे हम बोलते हैं साइड स्क्वायर, क्लियर हो गया। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 into side। डायगनल ऑफ स्क्वायर रूट टू साइड। ये फॉर्मूला आपके लिए नया है, डायगनल होती है ये, तो डायगनल याद कर लीजिए, रूट टू साइड होती है। क्या होती है बेटा जी? रूट टू साइड। अब हम बात करते हैं किसकी? रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं यानी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और ये इसका क्या होता है? डायगनल होता है, क्लियर हो गया। याद करने फॉर्मूले, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, उसके बाद डायगनल आती है, डायगनल होती है √l² + b². इसमें कोई समस्या? तो फर्स्ट पेज में ये था, आगे फॉर्मूला चलता है। ये क्या दिया हुआ है? राइट एंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। h² = p² + b², इसका होता है। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये स्केलिन ट्राइंगल है। ट्राइंगल नेम इज स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है s = a + b + c/2, फिर लगाते हैं रूट एस, s - a, s - b और s - c, क्लियर हो गई। तो ये हमारा स्केलिन ट्राइंगल है। उसके आगे चलते हैं, ये 3D शेप आ गई। 3D शेप के फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा, क्लियर हो गया। तो ये वीडियो पार्ट वन हो गया। दोबारा रिपीट कर दूँ, जो ये फॉर्मूले पढ़ाए हैं इसकी मैं PDF ग्रुप पे डाल दूँगा। इसकी एक PDF में डालूँगा जिसमें आंसर्स नहीं होंगे, ये सॉल्यूशन वाली PDF है, ठीक है। दोनों PDF का आप यूज़ कीजिए और मेहनत कीजिए, पढ़िए।